ये है साथियों रेल का निजीकरण, इलाहाबाद से गुजरती हुई अदानी की मालगाड़ी। हर हर मोदी। सारी यूनियनें आपस में लड़ती रहेंगी, कर्मचारियों का, रेल का, देश का सत्यानाश होता रहेगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मुबारक हो अंधभक्तों, मुबारक हो। आपने जो अभी रेल देखी वो मोदी सरकार ने अडानी को बेच दी है, और अब और आपको मुबारकबाद दे देते हैं कि देश के 50 बड़े रेलवे स्टेशन मोदी सरकार बेचने वाली है, उनका निजीकरण करने वाली है, और एक दो साल के लिए नहीं बल्कि 60 सालों के लिए मोदी सरकार देश के 50 बड़े रेलवे स्टेशन, वो बड़े रेलवे स्टेशन जिनमें दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशन शामिल है, उनको मोदी सरकार 60 सालों के लिए उनका निजीकरण करने वाली है, और निजीकरण करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं अदानी साहब एक बार फिर से। सिंगापुर की कंपनियां हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया है, लेकिन टेंडर किसी को मिलेगा नहीं, टेंडर मिलेगा अडानी को, यह बात पहले से ही कंफर्म है। टेंडर तो सिर्फ भरवाए जाते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। इसलिए अंधभक्तों आपको मुबारक हो, मुबारक हो कि आप जब जिस वक्त में कंगना और रिया के पीछे जो पड़े हुए हैं, आपके पीछे से मोदी सरकार ने सारा देश बेच दिया है। मोदी सरकार एक एक करके देश की सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, और कल को जब आपके बच्चे, कल को वक्त जब आपसे पूछेगा कि आपने क्या किया, उस वक्त में बताना बड़े गर्व के साथ में कि हमने कंगना के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमने कंगना के लिए इंसाफ मांगा था, और अपने बच्चों के भविष्य को बेचने का काम किया था। जब आपके बच्चे आपसे कल पूछेंगे तो उनको यही जवाब देना। आज जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं कि आजादी की लड़ाई के समय में उन्होंने क्या किया, तो बड़े, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन कल को जब आपके बच्चे पूछेंगे अंधभक्तों, तो उनको बताना कि हमने क्या किया था। जब देश बिक रहा था तो उस वक्त में हम कंगना जैसे मुद्दों में उलझे हुए थे, तब उनको बताना आप। मोदी सरकार ने 50 बड़े रेलवे स्टेशन बेच दिए हैं। अकेले अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर एक दिन के अंदर 5 लाख लोग आते हैं। मोदी सरकार 60 सालों के लिए इन 50 रेलवे स्टेशन को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। किस लिए? ताकि वो इनका विकास कर सके, इन रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डों के तर्ज पर बना सके। लेकिन एक बात आप जरा सोचिए, कि जिस वक्त में देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस वक्त देश के हालात इतने अच्छे नहीं थे जितने कि आज हैं, क्योंकि हर सरकार ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए आज हम अपने देश में जितनी भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जितना भी विकास देख रहे हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं देख रहे हैं, उसके लिए हर सरकार ने कुछ ना कुछ प्रयास किया है। लेकिन अगर आप सोचिए कि जिस वक्त में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उसी वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 100 रेलवे स्टेशन किसी कंपनी को दे दिए होते, 100 एयरपोर्ट किसी कंपनी को दे दिए होते, 100 सरकारी अस्पताल किसी कंपनी को दे दिए होते, तो सोचिए कि आज हम इन सरकारी सुविधाओं का क्या इतनी सस्ती कीमत पर लाभ उठा पा रहे होते? बिल्कुल नहीं। और अब ये प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी? प्राइवेट कंपनियां इन 50 एयरपोर्ट को लेने के बाद में उन पर 60 साल के लिए लीज पर लेंगी, और उसके बाद में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इन रेलवे स्टेशन की जमीन, जो कि रेलवे स्टेशन की जो जमीन है वो शहर के बीचों बीच होती है, और शहर के बीचों बीच बनी इस जमीन को करोड़ों अरबों रुपए में जिसकी कीमत है, उसके ऊपर होटल और मॉल बनाने का काम करेंगी प्राइवेट कंपनियां, और आपसे मन माफिक जो है वो चार्ज वसूला जाएगा। सोचिए कि अगर दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली के अंदर एक दिन में, दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर एक दिन में 5 लाख लोग आते हैं, और अगर 50 रुपए प्रति व्यक्ति भी अगर चार्ज लगाया जाए तो एक दिन के अंदर कंपनी का मुनाफा होगा 2 करोड़ 50 लाख रुपए। सोचिए कि वो कंपनी जो अकेले 2 करोड़ 50 लाख रुपए तो एक दिन में कमा लेगी एक रेलवे स्टेशन से, मात्र एक रेलवे स्टेशन से, और उसके अलावा वो कंपनी जो है वो रेलवे स्टेशन की जमीन के ऊपर होटल और मॉल बनाएगी, उस पर कितना कितना कमीशन किस किस चीज से आएगा वो अलग है। पूरी तरह से जो है वो देश को बेचने की तैयारी मोदी सरकार की दिख रही है। अगर मोदी सरकार विकास ही करना चाहती है, इन रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट ही करना चाहती है, तो क्यों ना मोदी सरकार खुद से करती, क्यों ना मोदी सरकार किसी कंपनी को टेंडर दे करके उनका काम जो वो करवाना चाहती है केवल वो काम करवाए, क्यों उनको 60 साल के लिए लीज पर दिया जा रहा है? इस पर जो है वो जरूर बहस होनी चाहिए, क्योंकि आज की परिस्थितियां और 60 साल बाद की परिस्थितियां क्या होंगी इसकी कल्पना कौन कर सकता है? देश उस वक्त कहां होगा, कहां नहीं होगा, इसकी कल्पना कौन कर सकता है? और जिस तरह से ये कंपनियां जो है 60 साल तक देश के लोगों का खून चूसने का काम करेंगी, देश के लोगों की जेब काटने का काम करेंगी। रेलवे सबसे सस्ता माध्यम है भारत के अंदर, ट्रांसपोर्ट का रेलवे सबसे सस्ता माध्यम है और सबसे सुरक्षित माध्यम है।
है। इसीलिए हर गरीब से गरीब तबका व्यक्ति जो है वो रेलवे को प्रीफर करता है, रेलवे को प्राथमिकता देता है, कहीं पर भी उसको आना जाना होता है। लेकिन अब उसी गरीब के पेट पर लात मारने की कोशिश की है मोदी सरकार ने और उसी गरीब की जेब काटने की काम कर रही है मोदी सरकार। सोचिए कि वो गरीब व्यक्ति जो टिकट का पैसा बड़ी मुश्किल से जुटाता है, वो गरीब व्यक्ति जो कि पानी की बोतलें, खाने का सामान अपने घर से बंधवा करके चलता है, सोचिए उसी गरीब व्यक्ति से अब मोदी सरकार इन प्राइवेट कंपनियों के जरिए वसूली करेगी। जिस गरीब व्यक्ति के पास में टिकट के पैसे नहीं होते हैं, अब मोदी सरकार उससे एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने का काम करेगी। यह है नया भारत। एनडीटीवी में एक खबर छपी है। एनडीटीवी की इस खबर में कहा गया है कि रेलवे देश के 50 स्टेशनों को विकसित करने के लिए उन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में जुटा। यह एनडीटीवी की खबर है। बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सुविधा के नाम पर यात्रियों से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली मुंबई समेत 50 रेलवे स्टेशनों को पीपीपी मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा है। यही नहीं, बड़े रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सुविधा के नाम पर यात्रियों से यूजर चार्ज के तौर पर पैसे वसूलने की तैयारी भी हो रही है। रेल यूनियन इसे निजीकरण कहकर के विरोध कर रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 5 लाख यात्री रोजाना आते हैं। अब इस रेलवे स्टेशन को पीपी मॉडल के जरिए बदलने की योजना है। कनॉट प्लेस से लगे होने के कारण रेलवे की बेशकीमती जमीन पर मॉल और होटल बनेंगे। इसी तरह से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की हेरिटेज बिल्डिंग से सटी जमीन को भी विकसित किया जाएगा। जिस तरह से शहर के बीचों बीच में जमीन होती है, उस बीचों बीच जमीन की जो कीमत होती है, उसकी कीमत होती है करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में, खरबों रुपए में। और अब उसी जमीन को, उसी बेशकीमती जमीन को मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को दे रही है और प्राइवेट कंपनियां उन पर होटल और मॉल बनाएंगी और आपको जो है वो महंगे दामों पर चीजें बेचेंगी। यह है मोदी सरकार का डेवलपमेंट का नया फॉर्मूला। इन रेलवे स्टेशन पर मॉल, होटल के अलावा नई तकनीकियों के साथ में यात्रियों को ज्यादा सुविधा देने का भी वादा है। निजी कंपनियों को 60 साल के लिए, ध्यान से सुनिए, 60 साल के लिए, एक दो साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 60 साल के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव के चलते अडानी, जेएमआर से लेकर के सिंगापुर तक की कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। खास बात यह है कि इसकी पर्यावरण एनओसी देने का काम भी रेलवे मंत्रालय करेगा। यानी रेलवे मंत्रालय जो है इन प्राइवेट कंपनियों को थाली में सजा करके सरकारी जमीन जो है वो बेच रही है, उनको निजीकरण कर रही है। आप बताइए कि एनओसी देने का काम, पर्यावरण की एनओसी देने का काम, क्योंकि शहर के बीचों बीच में जमीन होंगी इसलिए उस पर पर्यावरण की एनओसी मिलने में कठिनाई आती है, उसको कठिनाई को भी हल करने का काम रेलवे कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। सोचिए इस बात को। नीति आयोग के चेयरमैन अभिकांत ने रेलवे के फैसले को लेकर के कहा कि जब ऐसे ही प्राइवेट बैंक आए तो क्या SBI बंद हो गया? नई तकनीकी आएगी, ग्रोथ बढ़ाएंगी। यह है मोदी सरकार का नया फॉर्मूला। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट बैंक आए तो क्या SBI बैंक जो है वो बंद हो गए? लेकिन मोदी सरकार को पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। पूरी सच्चाई ये कहती है कि अकेले मोदी सरकार के राज के अंदर ही प्राइवेट बैंक, दो ऐसे बैंक आए निकल करके सामने, यस बैंक और PMC बैंक, जिनके अंदर जो खाताधारकों का जो पैसा था वो खाताधारक अपना पैसा निकाल नहीं पाए। ये है प्राइवेट बैंकों की हकीकत। और अब ये उदाहरण दे रहे हैं कि क्या SBI बैंक बंद हो गया? SBI बैंक तो बंद नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट बैंकों ने किस तरह से जालसाजी के अंदर इन खाताधारकों को फंसाया और फिर लोगों की जो जमा पूंजी थी उसको अपने अंदर जो है वो हड़पने का काम किया। ये उदाहरण आप सबके सामने है, इस बात पर भी गौर कीजिए। रेलवे की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नाराज ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। ट्रेड यूनियन का कहना है कि रेलवे में सफर करने वाले ज्यादातर लोग गरीब तबके से आते हैं, यूजर्स चार्ज लगाकर अब गरीबों से पैसे वसूलने की तैयारी हो रही है। AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हमारे रेलवे स्टेशनों पर आने वाले लोग हवाई जहाज से यात्रा करने वाले नहीं है, वे 5% लोग यूजर्स चार्ज दे सकते हैं, ये गरीब लोग हैं, प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर पानी पीते हैं, आप जो भी योजनाएं बनाते हैं 95% लोगों के लिए बनाए। ट्रेड यूनियन के लोग कह रहे हैं कि जो सुविधाएं मोदी सरकार देने की बात कर रही है वो सुविधाएं लेने के लिए भारत में केवल 5% लोग ऐसे हैं जो उन सुविधाओं के लिए पैसे दे सकते हैं, और ऐसी सुविधाएं एयरपोर्ट पर मिलती है और एयरपोर्ट पर 5% लोग जो है वो केवल यात्रा करते हैं, देश भर के 5% लोग जो है वो एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं, जबकि 95% लोग जो है
वो रेलवे से यात्रा करते हैं। ऐसे में मोदी सरकार जो है वो केवल 5% अमीरों के लिए योजना ना बनाए बल्कि 95% गरीबों के लिए योजना बनाए। लेकिन मोदी सरकार जिसको कहा जाता है कि वो सूट बूट की सरकार है, मोदी सरकार जिसके लिए कहा जाता है कि वो उद्योगपतियों की सरकार है, और एक बार फिर मोदी सरकार अपने आप को सच साबित कर रही है और देश के 50 रेलवे स्टेशन को 60 साल के लिए मोदी सरकार लीज पर निजीकरण उनका कर रही है। सोचिए कि अगर हमारे पहले की सरकारों ने इसी तरह से किया होता तो क्या आज देश यहां तक पहुंच पाता। और सोचिए कि उस वक्त में जिस वक्त में देश में सुई बनने का भी कारखाना नहीं था, उस वक्त में देश की सरकारों ने एक एक करके सारे कल कारखाने लगाए और उसके बाद में देश को आज यहां तक पहुंचाया। बड़े बड़े अस्पताल बनाए, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल बनाए और देश आज यहां तक पहुंचाया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बीमार होने पर एम्स अस्पताल में पहुंचते हैं। यह है देश की हकीकत और यह है देश की सरकारों ने जो पहले काम किया उनकी सच्चाई। और अब मोदी सरकार क्या कह रही है, वो सरकार जो अपने आप को सबसे बलशाली सरकार बताती है, वो सरकार जो ये कहती है कि मोदी जो है वो विश्व के सबसे बड़े नेता है, मोदी जो है वो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है, ऐसे शक्तिशाली नेता के राज में आज सरकार जो है वो देश की संपत्तियों को बेच रही है, तो आप बताइए कि ये शक्तिशाली हुए कि कमजोर हुए, इसका निर्णय आप खुद कीजिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई है उस घंटी को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी खबर उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज एजेंडा की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।